नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पुरुषों के अंदर खास करके कमजोरी आने लग जाए या उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लग जाती है और उनकी जो मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर भी प्रॉब्लम पैदा करने लग जाती है। दोस्तों पुरुषों के अंदर मेंटली या फिजिकली किसी प्रकार की उनको कमजोरी आ सकती है, यानी कि उनको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। दोस्तों जब उनके अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो लंबे समय के बाद उनकी नसों के अंदर भी उनको कमजोरी आने लगती है। जब उनके नसों के अंदर कमजोरी आ जाती है तो कई लोगों का दोस्तों मन भी नहीं होता है और धीरे धीरे वो परेशान होने लगते हैं। और ये मेडिसिन महिलाओं में भी वैसा ही काम करेगी, चाहे उनको शारीरिक प्रॉब्लम है या उनको मानसिक प्रॉब्लम है या उनकी नसों के अंदर कमजोरी आ गई है या उनका भी मन भी नहीं हो रहा है, मूड भी नहीं बन रहा है, तो उनके अंदर भी बहुत ही कारगर मेडिसिन है। लेकिन दोस्तों पुरुषों के अंदर, मर्दों के अंदर दोस्तों ये मेडिसिन रामबाण सिद्ध है। तो दोस्तों ये मेडिसिन पुरुषों और महिलाओं दोनों को लेनी है, और कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितने समय तक इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद ये आपके अंदर काम करेगी और ना है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों पुरुष लोग लाखों रुपये खर्च कर लेते हैं अपनी नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए, अपनी लाइफ को एक्टिव रखने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए लाखों रुपये लगा लेते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दोस्तों इस परेशानी से महिलाएं भी परेशान होती हैं, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। और ये जानते हैं आखिर ये दिक्कतें हमें क्यों होती हैं, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानियां क्यों आती हैं और धीरे धीरे हमें नसों में कमजोर आने लगती है और उनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो पहले जानते हैं ये दिक्कतें हमें क्यों होती हैं। तो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जब हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है होने लगती है। और दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों विटामिन। जब हमारे शरीर के अंदर दोस्तों बहुत सारे विटामिन की कमी होती है तो हमें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा कारण होता है दोस्तों हमारा लीवर भी हम प्रॉपर रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों हमें लीवर संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे शरीर के अंदर बदहजमी पैदा होने लगती है, प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी हमारे शरीर में वो नहीं लगती है और हमें धीरे धीरे कमजोरी आने लग जाती है। और जब हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है तो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, बुखार आ जाता है, हमारा सिर दर्द होने लगता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक बनने लगती हैं, कब्जियत के शिकार हो जाते हैं। और ये सारी तमाम परेशानियाँ आगे जाके हमारे नसों के अंदर ये कमजोरी डाल देती हैं और हम हमेशा के लिए परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों सारी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमें करना क्या है, तो आपको दोस्तों अविना सटाइवा क्यू का आपको मदर टेंसर लेना है। दोस्तों इस मेडिसिन की पावर होती है, ये हमारे अंदर न्यूट्रिशन को पूरा करती है, हमारे अंदर विटामिन की कमी को ये पूरा करती है और हमारे अंदर जो कमजोरी आ जाती है विटामिन की कमी से उसे ये पूरा करती है। जो लोग लंबे समय से मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई टाइफाइड का पेशेंट है, कोई टीबी का पेशेंट है, उन्हें लंबे समय तक मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों लंबे समय से मेडिसिन का यूज़ करने की वजह से हमारे लीवर के अंदर दिक्कतें आने लगती हैं और हमें दिनों दिन कमजोरी आने लग जाती हैं। तो इस सारी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए दोस्तों ये जो औषधि मैंने बताई है रामबाण सिद्ध होती है, क्योंकि लंबे समय से मेडिसिन को यूज़ करने के बाद आपकी नसों के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है और बहुत ज़्यादा आपको थकान फील होने लगती है और आपको किसी प्रकार का वर्क करने का आपका मन नहीं करता है, ना आपका शरीर साथ देता है, आप बहुत लिथार्सी हो जाते हैं, यानी कि आपको काम करने का मन ही नहीं करता है और बहुत ज़्यादा सुस्त पड़े रहते हैं। तो आपको रिजल्ट कब तक मिलेगा दोस्तों, आप इस मेडिसिन को विद इन 10 से 15 दिन यूज़ करेंगे तो आपके अंदर रिजल्ट आने लग जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको लगभग 6 महीने तक आपको इसे यूज़ करना है। दोस्तों समय बड़ा है लेकिन आपको रिजल्ट आने के बाद समय बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपके नसों के अंदर जो सारी कमजोरी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो हमेशा के लिए एक्टिव होने लगेगी और आपके जो नसों के अंदर जो कमजोरी आ गई है, किसी प्रकार की आपके शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो दूर होने लगेगी, आप अपने आप को फील बेटर करने लगेंगे और आपके अंदर कितनी भी पुरानी वर्षों पुरानी कमजोरी क्यों ना हो उसे ये 100% ठीक करेगी, चाहे वो 10 साल पुरानी है, चाहे वो 20 साल पुरानी है। तो इस मेडिसिन का आप जरूर यूज करें। अब आपको कैसे यूज करना है, तो दोस्तों अविना सटाइवा क्यू ये एक होम्योपैथी का मदर टेंसर है, आपको 1.5 कप पानी लेना है और उसके अंदर आपको 20 बूंद मिला लेना है और खाने के 15 मिनट पहले या बाद में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे लगातार यूज करें, अगर आपको 1 महीने में दोस्तों रिजल्ट मिलता है तो आप इसे 6 महीने तक यूज करें। दोस्तों जो लंबे समय से ड्रग का सेवन कर रहे हैं, जो दवाई खा रहे हैं, उन लोगों में रिजल्ट आने में समय लगेगा लेकिन दोस्तों रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो गाइज इस मेडिसिन को आप यूज करके बड़ी आसानी से आप सारी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, आप अपने नसों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।